हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू डिस्टॉप. सो टुडे वी हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट टू चेक द नंबर, टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट अ नंबर, देन वी विल चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज हु हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल टू फैक्टर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. तो कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? एक तो वन एंड वो खुद, वन एंड इटसेल्फ. ठीक है, तो हमें इसी का फ्लो चार्ट बनाना है, चेक करना है. कोई भी नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि दैट नंबर इज़ प्राइम और नॉट. तो पहले स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू ऐड अ स्टार्ट बॉक्स, दैट इज़ ओवल शेप बॉक्स. ठीक है, देन वी विल एक्सेप्ट अ नंबर that will be in this input box, read n. okay, then हम दो variables select करेंगे students. एक let कर लेते हैं count, जो count करेगा कि वो कितने factors उसके हुए हैं. ठीक है, एक variable let करेंगे that will be initialized by zero. ठीक है, count नाम का हम एक variable let कर लेते हैं और उसको zero से initialize करते हैं. ठीक है, और हमें हमें factors निकालने हैं, तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी नंबर से, जैसे हम वन से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय वन, वन टू थ्री फोर, ऐसे ही तो चेक करेंगे. तो हमें क्या करना है, एक ए नाम का हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं, डैट विल बी इनिशियलाइज बाय वन. ओके, तो इनको हमें किस में डालना है, प्रोसेस बॉक्स में. एक साथ डाल लीजिए या फिर आप एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, प्रोसेस हैं. तो काउंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए विल बी इनिशियलाइज बाय वन. ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि जो भी नंबर हमें इनपुट किया गया है वो वन से ग्रेटर है या नहीं है. हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स अगर हमें टू के फैक्टर्स निकालने हैं, तो टू के जितने ही फैक्टर्स होंगे डैट विल बी लेस देन टू ना, या तो वन हो सकता है या फिर टू हो सकता है, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते. वो कहाँ पे एंड होगा, टू तक एंड हो जाएगा. तो हमें यही चेक करना है कि जो भी नंबर हमें इनपुट किया गया है वो वन से ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, मतलब ए से, जो हम इसी नंबर से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है. तो हम यहाँ एक चेक बॉक्स लगाएंगे, कंडीशन चेक बॉक्स, और उसमें हम चेक करेंगे इज़ लेस देन और इक्वल टू एन. अगर जो ए है वो एन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ज़्यादा होगा तो इट विल गो टू नो साइड. ठीक है, तो अगर ए से लेस देन है तभी हम क्या करेंगे, यस की साइड जाएंगे और फिर हम एन को ए से रिमाइंडर डिवीजन निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे. देन देयर विल बी अनदर कंडीशन चेक बॉक्स, इज एन रिमाइंडर ए इज इक्वल टू ज़ीरो. हमें क्या चेक करना है कि जब एन को हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी हम काउंट में एक नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अभी उसके एक फैक्टर हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यस की तरफ जाएंगे और काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे. काउंट में इंक्रीमेंट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, एक प्रोसेस बॉक्स, और उसमें हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन. ओके, या फिर आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो. आपने ये मैंने शी शॉर्ट हैंड्स में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वो लेक्चर भी जाके देख सकते हो. तो काउंट अभी ये देखते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ए को तो इंक्रीमेंट करना ही होगा. अगर जो एन, ज़रूरी तो नहीं है जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो सबसे डिवाइड हो, कोई भी नंबर है वो ज़रूरी तो नहीं है कि वन से भी डिवाइड हो, टू से भी डिवाइड हो, थ्री से भी डिवाइड हो, लेकिन हमें ए को इंक्रीमेंट करते जाना है जब तक वो ए एन से ग्रेटर ना हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे और ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस वन. और इस काउंट वाले सेक्शन को हम दोबारा से इस ए वाले प्रोसेस बॉक्स में जाके ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि काउंट होने के बाद भी उसको ए को तो इंक्रीमेंट करना ही है, उसके सारे फैक्टर्स देखने हैं. तो फिर ये कहाँ जाएगा, दोबारा से कंडीशन चेक बॉक्स के पास, और ये चेक करेगा कि इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू एन. ठीक है, अगर ऐसा होता है फिर से वो एन को ए से डिवाइड करेगा और फिर से काउंट प्लस प्लस करेगा, अगर ये इक्वल टू रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए. अगर नहीं भी होता है तो ए तो हमारा इंक्रीमेंट
होगा ही, देन वो फिर से चेक करेगा, ठीक है। अगर ए से एक्सीड, ये एन से एक्सीड कर जाता है अगर हमारा ए के वैल्यू, तो ये जाएगा नो साइड में और फिर चेक करेगा। जैसा मैंने बताया कि प्राइम नंबर से केवल टू फैक्टर्स होते हैं, तो हमने उसको किस में पुट किया है, काउंट वाले सेक्शन में। तो हमने क्या चेक करना है कि काउंट हमारा जो है वो टू के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ हम कंडीशन बॉक्स लगाएंगे, टू ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, तो इज़ काउंट इक्वल इक्वल टू टू, क्या जो काउंट है वो टू के इक्वल है या नहीं। अगर है, अगर है, इफ यस, देन इट विल प्रिंट, व्हाट इट विल प्रिंट, हम क्या चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग द नंबर इज़ प्राइम और नॉट, तो प्रिंट नंबर इज़ प्राइम, ओके। अगर ऐसा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन इट विल गो टू नो साइड, एंड व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। देन दोनों को हमें स्टॉप करना है, तो दोनों की फ्लो लाइंस को हम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक स्टॉप बॉक्स, स्टॉप इज ऑल्सो विल बी इन दिस ओवल शेप, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे मैंने टू का एग्जांपल लिया, तो टू ही चेक कर लेते हैं। हमें स्टार्ट करेंगे, रीड टू करेंगे, हमारा एन क्या है, एन इज़ टू, एन को हमने टू लिया है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये पहले चेक करेगा कि इज़ ए इज़ लेस ऑन इक्वल टू एन, एन हमारा टू है, ए हमारा वन है, एन है टू, ए है वन, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि जो ए है दैट इज़ लेस और इक्वल टू एन और नॉट, ठीक है। तो इफ़ येस, हाँ हमारा टू जो है वो ए से तो ग्रेटर है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, येस साइड में जाएगा, और एन से ए को डिवाइड करेगा, सॉरी एन को ए से डिवाइड करेगा, तो एन को ए से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, टू को जब मैं वन से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर विल बी ज़ीरो ना, टू टाइम्स में टू गया, तो रिमाइंडर क्या बचा है हमारा, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, कंडीशन येस हो गया, और काउंट हमारा क्या हो जाएगा, काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा वन का, तो काउंट हमारा कितना हो चुका है, वन काउंट हो चुका है, ठीक है, वन काउंट हो चुका है। तो फिर क्या करेगा, दोबारा से ए को इंक्रीमेंट करेगा बाय वन, और फिर दोबारा चेक करेगा कि इज़ ए इज़ लेस ऑन इक्वल टू एन, हमारा काउंट कितना, वो ए कितना हो चुका है, टू हो चुका है, क्योंकि ए को हमने वन से इंक्रीमेंट कर दिया है। तो हम एक चेक करेगा कि टू क्या हमारा इससे इक्वल है या फिर लेस है, हाँ है भाई, तो फिर ये दोबारा से टू से डिवाइड करेगा एन को, ठीक है। तो टू से डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, क्योंकि मैं अगर टू को टू से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर विल बी ज़ीरो ना, तो फिर ये काउंट को इंक्रीमेंट करेगा बाय वन, काउंट को इंक्रीमेंट किया, काउंट हमारा कितना हो गया, पहले वन था अब हो गया टू हो गया हमारा काउंट। फिर ये ए को इंक्रीमेंट करेगा, ए को इंक्रीमेंट करेंगे वो बन जाएगा थ्री, तो फिर ये दोबारा से चेक करेगा कि इस थ्री इज़ लेस ऑन इक्वल टू एन, एन हमारा क्या है, टू है, तो ये तो रॉन्ग कंडीशन हो गई, तो फिर ये कहाँ जाएगा, नो साइड, और चेक करेगा जो काउंट है वो टू के इक्वल है, हाँ भाई है, तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर इज़ प्राइम, ठीक है, एंड देन फ्लो चार्ट विल टर्मिनेट। तो आई होप यू लाइक द सेशन, एंड इफ सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू गाइस।